हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले हैं। तो ठीक है, हमने ए थ्री साइज के 3 शीट ले लिए हैं। ठीक है, ये 2 शीट है हमारे पास। इसको हम एक को बिल्कुल सीधा रखेंगे और एक को थोड़ा तिरछा करके रखेंगे। कंट्रास्ट करके आप कार्ड बना सकते हैं। मैंने येलो के साथ पिंक लिया है, आप कोई सा भी कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे और बीच में इसको अच्छे से ही प्रेस कर देंगे। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम पीछे से मार्क लगा लेंगे इसको। हम 2 ही कार्ड में पूरा ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले, फ्लावर बनाएंगे, जो भी है, जो भी हम डेकोरेशन करेंगे इसके ऊपर, वो हम इसी कार्ड के अंदर से ही करेंगे। इसमें से हम कट करके जो कार्ड हमारा निकलेगा उसी से ही हम इसकी डेकोरेशन करेंगे फुल। हम ये कार्ड से 2 ही पेपर में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने मार्क किया है उसके अंदर से हम अंदर मार्क कर लेंगे 2 लाइन। ठीक है, इतना इतना हम इसको अंदर की साइड कर लेंगे मार्क, और जो मार्क हमने किया है उसको हम काट लेंगे, कैची की मदद से हम इसको काट लेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी मार्क करना है। ये जो अंदर वाली लाइन है, जो हमने अंदर वाली लाइन खींची है, उस वाली लाइन पे हम इसको काट लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि हम इसको चिपकाएंगे, इसलिए ही हमने इसको एक्स्ट्रा लिया। ये जो ऊपर वाला जो हमारा फर्स्ट मार्क था, उसके ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा पेपर है, वो पेपर हमारा कार्डबोर्ड के ऊपर आएगा, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा लेके बाकी हमने अंदर चिपकाने का मार्जिन ले लिया है, और हमने जो डबल लाइन खींची थी उसलिए खींची थी। ठीक है, ये हमने अच्छे से कट कर लिया है। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने शेप कट किया है आप भी उसी शेप में करें, आप किसी भी शेप में उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये जो गोलाई में काटा है, अब आप चाहे तो स्ट्रेट ही काट सकते हैं जैसे आपने मार्क लगाया है। ठीक है, अब इसको हम चिपका देंगे, जो हमने मार्क लगाया था वहाँ वहाँ पे ग्लू लगा देंगे और उतने से पार्ट को हम चिपका देंगे इसके साथ। मार्क किए हुए निशान के अंदर ही हम ग्लू लगाएंगे और उतने पे ही इसको चिपकाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से फैला लेंगे, क्योंकि अगर इसको फैलाएंगे नहीं तो फिर इसमें बबल्स बन जाते हैं और फिर ये देखने में भी खराब लगता है, चिपकता है तो बहुत खराब लगता है। इसलिए हम इसको अच्छे से फैला लेंगे ग्लू को, उसके बाद इसको चिपकाएंगे मार्क के साथ। ये देखो, हमने मार्क के साथ बिल्कुल चिपकाया है, जहाँ जितना हमने मार्क किया था उतने पे ही इसको चिपकाना है। ज़्यादा अंदर नहीं करना है, ना ज़्यादा बाहर करना है। ठीक है, ये हमने पीछे साइड इसका चिपका लिया है, ऐसे ही आगे साइड भी चिपका लेंगे। आगे वाला पेपर भी हम पूरा ही चिपका देंगे, और उससे पहले जो हमने सर्कल किया था ना, वो सर्कल बना लेंगे। जो मैं बाद में थोड़ा 5-6 सेकंड के बाद जो मैं सर्कल बना रही हूँ, आप चाहें तो अभी ही येलो वाले कार्ड पे सर्कल बना लें और उसके बाद आप पूरा पेपर आराम से चिपका सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड थोड़ा चिपका दिया, उसके बाद मैंने नीचे की साइड चिपकाया है सर्कल बनाने के बाद। आप चाहें तो पहले सर्कल बना लें, उसके बाद आप पूरे ही कार्ड के ऊपर ग्लू लगा के अच्छे से चिपका सकते हैं। ये आपको बहुत आसान रहेगा करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आधा चिपका दिया है, यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगी, और उसके बाद सर्कल बनाने के बाद मैं इसका नीचे का पार्ट है जो उसको चिपकाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आप पहले ही सर्कल बना के रखें, और उसके बाद क्या करना है आपको, आप पूरा कार्ड पे ही ग्लू लगा के चिपका सकते हैं। ये मैंने एक कड़ा ले लिया है, कड़े की शेप का मैंने गोल कर लिया है, इसको गोलमाल कर लिया। इसको मैं अंदर साइड से काट लूंगी, हल्का सा मैं जो मैंने मार्क किया है उससे हल्का सा मैं इसको बड़ा काटूंगी। इससे मुझे थोड़ा सा बड़ा सर्कल चाहिए था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसी को नाप के हल्का हल्का मैंने बाहर के साइड मार्जिन लेके थोड़ा बड़ा सा सर्कल काटा है।
और इसी सर्कल को नाप के हम दो सर्कल और काट लेंगे इससे नाप के, और इससे थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, 1 इंच मान के चलो तो आप, 1 इंच बड़ा काट दूंगी मैं इससे, और क्या कहते हैं कि फिर हमारा दो बन जाएगा। दो सर्कल जो मैं काटूंगी, पिंक वाले जो हमने कटिंग की थी ना कार्ड की, उसका जो बचा हुआ था हमारे पास, तो उसी से ही मैं दो सर्कल अलग से कर लूंगी। देखो ये मैंने बचा हुआ जो हमारा कार्ड था उससे मैंने दो सर्कल अलग कर लिया है, इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है आप देख सकते हैं इससे मैंने थोड़ा सा बड़ा काटा है, दो सर्कल बना लिया मैंने। और उसके बाद में इन्हीं दो सर्कल से फ्लावर बनाऊंगी। ओके, तो ऐसे हल्का हल्का अंदर के साइड करते करते हम इसको राउंड शेप में काट लेंगे, ऐसे ही हमें काट लेना जैसे मैं काट रही हूँ। और ये जो अलग से हल्के से शेप आ रही है उसको भी हम गोल कर लेंगे, बिल्कुल प्रॉपर गोल करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने गोल कटिंग कर दी है, अब हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही आसान होता है बनाने में हमें फ्लावर, और बन भी जल्दी जाता है, ठीक है। ये ऐसे बन के आएगा, हम इसको साइड साइड में प्रेस कर देंगे और ये बिल्कुल रोज की तरह लगता है देखने में। ऐसे हम दूसरा वाला भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये हमने दूसरा वाला तैयार किया, आप देख सकते हैं जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, तीन साइड से हम इसको प्रेस कर देंगे, तो ये देखो कितना प्यारा सा फ्लावर बन के आया है। ऐसे ही फ्लावर आप बन जाएगा ये जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। इसको हम गोल करेंगे और इसको तीनों साइड से, चार साइड से, जिस साइड जितने भी कर सकें वैसे हमें इसे थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इन दोनों फ्लावर्स को चिपका देंगे, नीचे की साइड ग्लू लगा के इसको हम चिपका देंगे, ठीक है। इसके बाद ये मैं सर्कल से बना रही हूँ जो रिंग जैसी, उसको हम बना लेंगे अच्छे से। एक पैन पे लेके आपको इसको फोल्ड करते रहना है जब तक इसकी एंडिंग ना हो जाती है, नहीं हो जाएगी, आप इसको तब तक फोल्ड करके रखें, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे बन के आ जाएगा। ये हमने येलो वाला जो सर्कल काटा था उसका ये फ्लावर है, इसको हम बाद में लगाएंगे, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसके रोज के पास डॉट्स लगा के इसको हम चिपका लेंगे, ये जो हमने रिंग्स बनाए इतने सारे, ये सारे रिंग्स हम इस फ्लावर के सामने चिपका देंगे, ऐसे ग्लू की मदद से चिपका देंगे। और आपको तो पता है ग्लू कितना कितनी देर लगाते चिपकने में, तो थोड़ा वेट करें इसको चिपकने का, उसके बाद हम इसके आगे जो हर्ट शेप लगाने वाले हैं वो लगाएंगे, ठीक है। आप किसी कितने भी सर्कल लगा सकते हैं, जैसे हमने ये बना रखा है रिंग, आप जितने चाहे आप उतने लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे बना रहे हैं इसको, जितने अच्छे लगे आप उतने लगा लीजिए, ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी जहां मर्जी, ठीक है। ये अच्छे से इसको चिपकने दें, इसके बाद हम इसके आगे का काम करेंगे, ठीक है। ये मैंने हर शेप के स्टिकर ले लिए हैं, इसको मैं इससे चिपकाने की कोशिश करती हूँ पर ये चिपकता ही नहीं है। तो आप क्या करें ना, पहले आप इसके एंडिंग पे ग्लू से चिपका लें, इसके बाद आप कोई भी स्टिकर लगाए तो आपको आसानी होगी। ये मैं लगा रही हूँ बट ये लगता ही नहीं है ठीक से, जल्दी लग ही नहीं रहा था। तो आपकी हेल्प के लिए बता दूँ कि पहले आप इसको ग्लू से चिपका लें रिंग को, उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी स्टिकर लगाएं। इसकी एंडिंग को चिपका के इस पे आप स्टिकर लगाइए, ये देखिए ये चिपकते ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था मेरे तो सो करते करते। आप पहले इसके ऊपर ग्लू लगा लीजिए, उसके बाद इसके एंडिंग में आप कोई सा भी स्टिकर लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये मैंने सारे ही जो सर्कल थे उन सबको चिपका लिया है। अब जो हमने सर्कल काटा था येलो कलर का, उससे ही मैंने जैसे पिंक वाले फ्लावर्स बनाए हैं वैसे ही मैंने ये येलो से ही बना दिया है, और मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है दोनों रोज के ऊपर। और जो हमारे दो सर्कल्स बचे हुए थे वो मैं इन दोनों के
येलो वाले के साइड में लगा दूंगी, एक इस साइड लगा दूंगी और एक उस साइड। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का काम खत्म हो चुका है, ये यहाँ तक हम पहुंच गए हैं करते करते, बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में। और ये देखिए मैं इसको बाद में चिपका रही हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप पहले सर्कल काट लें, उसके बाद आप पूरे ही पेपर को एक बार में चिपका सकते हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने बाद में चिपकाया है, आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने बताया था आपको वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिखे है, वैसे तो न्यू ईयर का कार्ड है तो आप यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर ही लिख सकते हैं, या फिर आपको जो इच्छा करे आप वो लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें, डार्क कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ तक कार्ड कैसा लगा। और क्या अगर आपको ये कार्ड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दे एक, और सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और ये ऑप्शनल है, जो मैं इस टाइम कर रही हूँ यहाँ पे ग्लू लगा के, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटर लगाऊंगी, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको सिंपल ही रहने दे, या फिर अगर आप चाहें तो आप ये मतलब ग्लिटर भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये स्प्रिंकल कर देंगे हम इसके ऊपर, ग्लू लगा के इसको अच्छे से फैला लें, उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम ये जो भी ग्लिटर है पूरे कार्ड पे ही कर देंगे। आप चाहे तो डिजाइन भी इसके साथ डाल सकते हो, ग्लू का डिजाइन बना लीजिए, उसके बाद उसको फैला के इसके ऊपर ग्लिटर डाल दो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ग्लू फैला दिया है और इसके ऊपर मैं ग्लिटर डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके अंदर कोई और अच्छा सा भी डिजाइन कर सकते हैं, आप अगर करना चाहें तो आप इसके ऊपर कोई और सा भी डिजाइन कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा ठीक लगा था इसलिए मैंने ये कर दिया। बाकी अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कोई आइडिया हो आपके पास तो आप वो भी यूज करके आप अंदर की साइड भी बहुत अच्छा सा इसको सजा सकते हैं। और अंदर ये जो येलो साइड है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है विशेष जो भी लिखनी है आप वो लिख सकते हैं। और ऊपर की साइड जैसे मैंने अंदर साइड किया है वैसे ही मैं सर्कल के किनारे किनारे पे ग्लू लगा के वहाँ पे भी मैं ग्लिटर को स्प्रिंकल कर दूंगी। और यहाँ पे हमारा कार्ड बन के तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें, और कमेंट करें कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो इसके बारे में, और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मेरा बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, फ्लावर्स ये कार्ड अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।